आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 3 10 के क्वेश्चन आंसर्स की ये वीडियो। फर्स्ट यहाँ पे कुछ लाइनें दी हुई हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट लाइन है, द यंग मैन टर्न टू हिम विद अ लुक ऑफ डिसआर्मिंग फ्रैंकनेस विथ पुट हिम इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड। क्वेश्चन नंबर ए, टू हुम डिड द यंग मैन टर्न? द यंग मैन टर्न टू नॉर्मन गॉड्सवे। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई डिड द यंग मैन से टू हिम? व्हाट डिड द यंग मैन से टू हिम? ही सेड यू विल नॉट बी इन गुड टेम्पर इफ यू वर इन अ फिक्स इन आई एम इन आई हैव डन द सिलियस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। क्वेश्चन सी, डिस्क्राइब द यंग मैन। द यंग मैन वॉज फेयरली ड्रेस्ड एंड सीम्स टू बी इन एंग्री मूड। ही वॉज अलार्मिंग फ्रैंक एंड आउटस्पोकन। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू यू थिंक द लुक ऑफ डिसआर्मिंग फ्रैंकनेस पुट द पर्सन ऑन हिज गार्ड? आंसर, द लुक पुट द नरेटर ऑन हिज गार्ड बिकॉज ही कुड सेंस दैट द यंग मैन वॉज ट्राइंग टू टेक हिम इन टू कॉन्फिडेंस टू फोर्स अ फेवर आउट ऑफ हिम। नेक्स्ट लाइन, इट इज अ लेसन टू मी नॉट टू बी टू क्लेवर इन जजिंग बाय सरकमस्टेंसेस। क्वेश्चन नंबर ए, नेम द स्पीकर। द स्पीकर इज नॉर्मन गॉड्सवे। क्वेश्चन नंबर बी, हुम डिड द स्पीकर जज? द स्पीकर जज द यंग मैन। सी, डिड द जजमेंट टर्न आउट टू बी करेक्ट? आंसर, येस, द जजमेंट टर्न आउट टू बी ट्रू। डी, व्हाट लेसन डिड द स्पीकर अल्टीमेटली लर्न? द स्पीकर अल्टीमेटली लर्न दैट वन शुड बेस हिज जजमेंट ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड सर्कमस्टेंस अलोन। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर वन, अकॉर्डिंग टू द नरेटर हु डज द डस्क आवर बिलोंग टू? अकॉर्डिंग टू द नरेटर द डस्क आवर बिलोंग टू पीपल हु आर अनडिस्टिंग्विश्ड इन एनी स्पेयर ऑफ लाइफ एंड डू नॉट विश टू बी नोटिस्ड। दे आर एस गोड्स बाय से द डिफीटेड प्रिफरिंग टू स्टे अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट एंड प्रोस्परस क्राउड ऑफ द सिटी। क्वेश्चन नंबर थ्री, कंपेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट द टू पीपल हु केम एंड सेट ऑन बेंच विथ नॉर्मन गॉड्सवे। आंसर, इसमें द पर्सन हु फर्स्ट सॉट द पर्सन हु सेट ऑन द बेंच विथ नॉर्मन गॉड्सवे वॉज एन एल्डरली जेंटलमैन। हिज पर्सनैलिटी सीम्स टू सजेस्ट दैट ही हैड लिटिल कंट्रोल ओवर एनीथिंग और एनीबडी। ही वॉज नॉट सेबिली ड्रेस्ड बट वॉज नॉट वेल ड्रेस्ड आइदर। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड पर्सन वॉज अ यंग मैन हु वॉज फेयरली वेल ड्रेस्ड वाइल द एल्डरली मैन लुक डिफीटेड द यंग मैन लुक एग्रीगेटेड। द ओल्ड मैन सीम्स रिकॉन्सिल्ड टू द फैक्ट दैट नोबडी नोटिस हिम। द यंग मैन सीम्स टू वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी टेक नोटिस ऑफ हिम एंड हिज प्रॉब्लम वाइल द ओल्ड मैन सेट क्वाइटली बाई गोड्स बाई साइड ऑन द बेंच। द यंग मैन फ्लंग हिमसेल्फ इन टू द सीट एंड स्वोर वेरी ऑडिबली। क्वेश्चन नंबर फोर, वॉट प्रूव टू बी द वीकेस्ट पॉइंट इन द यंग मैन्स स्टोरी? द वीक पॉइंट, आंसर इसमें, द वीक पॉइंट इन द यंग मैन्स स्टोरी वॉज हिस inability to produce the soap with which he had purchased. Question number 5, lucky things you finding it. What luck did the young man have in the story? The luck that the young man has in the story was Gorsby finding the cake of soap. The young man had made up the story about his getting lost in the city with no money after. वीडियो के क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको हिंदी में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा और आप चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तक जा सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।